मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के 9 बज गए हैं एंड अभी हम जा रहे हैं अल्मोड़ा। अल्मोड़ा थोड़ा काम है, बाइक की सर्विसिंग, थोड़ा पासपोर्ट ऑफिस में काम है एंड मेरा फ्रेंड है उसका आरटीओ में काम है। सो बहुत काम है आज। सुबह 11 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है पासपोर्ट ऑफिस में। आई होप कि पहुंच जाएंगे उस टाइम तक। सो काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूं फिर से, 8 या 9 मंथ बाद पहला ब्लॉग है। तो अभी मेरी कुछ बाइक ट्रिप्स होने वाली हैं, वो पता चल जाएगा आपको, शायद कुछ लोगों को पता भी होगा। पर्दा उठाएंगे कुछ टाइम में। तो अभी थोड़ा गाड़ी वाड़ी का काम निपटाएंगे, ट्राई करेंगे जल्दी पहुंचने का ताकि टाइम पे सारा काम हो जाए। धन्नो अभी 8000 किलोमीटर चल चुकी है, एक साल हो चुका है इसे पूरा। काफ़ी अच्छा रहा, ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आई गाड़ी में। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स थी, एक मेरा जो एयर प्रेशर बन रहा था मेरी ऑयल टैंकी में वही था, वो भी सॉल्व हो चुका है अभी। कुछ टाइम में मेरी एक दो लॉन्ग राइड्स हैं, सो उसके लिए थोड़ा सा ये है कि वार्म अप टाइप हो जाएगा, 2-4 शॉर्ट राइड हो जाएंगी। तो मेरी और यकीन मानो अभी मुझे इतना ठंडा लग रहा है, अभी मौसम यहाँ पे बहुत ठंडा है, फिर भी टेम्परेचर 26-27 के आसपास होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। हम बाबर खोला पहुंच चुके हैं अभी। कटपुड़िया 1 किलोमीटर, तो शायद कटपुड़िया पे रुकें थोड़ा सा एंड नाश्ता करें, बिकॉज मैं घर से कुछ भी खा के नहीं आया हूँ जल्दी जल्दी के चक्कर में, क्योंकि जो मेरा दोस्त है ये टाइम का पक्का है और मुझे हो गया लेट। आगे कहीं पे रुकेंगे और देखते हैं कुछ खाने को। ओह ये देखिए, गर्मियाँ आते आते यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, जंगलों में पूरी आग लग जाती है एंड से बहुत प्रॉब्लम होती है, पॉल्यूशन होता है, इसके अलावा जंगली जानवर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें होती है, उनके घर जल जाते हैं। मेरे ये समझ में आया नहीं आज तक कि ये अपने आप लगती है या कोई माई का लाल लगाता है, हर जगह लगी रहती है इस टाइम का। Thank you.
तो फाइनली अल्मोड़ा हम पहुंच चुके हैं। तो अभी जाएंगे डायरेक्ट पासपोर्ट ऑफिस। टाइम हो गया है 10:37। तो वहाँ देखते हैं कितना टाइम लगता है। मोहनदा मैप मारो यार ज़रा। तो शाम के 6 बज गए हैं। 3 बजे के टाइम पे हम लोग रॉयल एनफील्ड के शोरूम में पहुंच गए थे। तो वहाँ पे एक गाड़ी की सर्विसिंग करवाई एंड उन्होंने 2200 के आसपास चार्ज किया। 2160 रुपये चार्ज किया उन्होंने सर्विसिंग का। इस बार पेड सर्विस थी बट सर्विसिंग के नाम पे बोले तो उन्होंने मेरे डिस्क पैड चेंज करवाए, इंजन ऑयल चेंज किया, मतलब सर्विस के नाम पे उतना ही था और 650 रुपये उन्होंने सर्विस चार्ज लिया है। तो एंड मुझे सर्विस के नाम पे कुछ भी नहीं किया उन्होंने। मैंने जैसे बोला था उन लोगों को कि पहले ही कि मुझे एक लॉन्ग राइड पे जाना है तो अच्छे से गाड़ी एक बार चेक कर लेना। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बहुत घटिया सर्विस दी है उन्होंने मुझे। भी बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ मैं इस सर्विस से। एंड जो मैकेनिक था उसने एक स्क्रू तोड़ दिया जब इंजन ऑयल, जहाँ से ऑयल निकालते हैं इंजन ऑयल, पुराना इंजन ऑयल जो नीचे स्क्रू रहता है इंजन के, वो उसने अंदर डाल के तोड़ दिया। तो अभी सोच सकते हैं रॉयल एनफील्ड अल्मोड़ा बहुत बेकार सर्विस दी। और अगली बार से मैं अल्मोड़ा तो कभी नहीं करवाऊंगा, मैं दूसरी जगह जाऊंगा रॉयल एनफील्ड में। बहुत बेकार रहा मेरा एक्सपीरियंस अल्मोड़ा में इस बार। के तो अभी द्वारहाट यहाँ से 50-55 किलोमीटर और है। तो अभी बहुत चलना है, पहाड़ी रास्ता है। आई थिंक 7-7:30 बजेगा। खाली रोड है पूरी, बहुत कम गाड़ियाँ इस रूट पे चलती हैं क्योंकि इस बार मैं रानीखेत होते हुए नहीं आया हूँ। इस बार बगवाली पोखर वाला रूट पकड़ा है मैंने। बगवाली पोखर, बिंता, द्वाराहाट, इस रूट से भी मैं वापस जाऊँगा। वाह, सनसेट हो रहा है एंड अभी हमें बारिश भी हुई रहा अल्मोड़ा में। तो आज अंधेरा होगा तो शायद मैं अपनी ये LED फॉग लाइट भी चेक कर लूँगा। ये मैंने कुछ दिन पहले लगवाई हैं। तो आज इनका टेस्ट भी हो जाएगा। तो विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। अभी पूरी तरीके से अंधेरा नहीं हुआ है फिर भी पता चल रहा है। एंड अभी यहाँ से द्वाराहाट 3 या 4 किलोमीटर है, घर पहुँच चुके हैं हम लोग घर इतनी भागा दौड़ी के बाद टाइम पे घर। टाइम हो गया है 7:13 ऑन टाइम। तो ये लाइट मुझे अभी काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी दे रहे हैं नाइट में, जो मेरे नेक्स्ट नाइट में बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।
अगर आप लोग को ये लाइट चाहिए तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, तो आप ले सकते हैं इजीली, सिंगल भी ले सकते हैं और सेट भी ले सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं लॉन्ग राइड्स में, कभी आपको नाइट में राइड करनी पड़े तो ये काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी देते हैं, और ख़ासकर पहाड़ों पे। यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का तो नामों निशान नहीं होता है, जंगलों में बहुत काम आती है। देखो जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है ये लाइट्स और निखर के लाइट दे रही हैं, एकदम क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर। चल मोहन दा घर।